हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर्या सिंह एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट अ मेजर टॉपिक ऑन लेट्स डिस्कवर इट चैनल. द टॉपिक इज़ जियोथर्मल एनर्जी, द लास्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. यानी इस टॉपिक के बाद हमारा ये पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और हम पढ़ेंगे अपने नए यानी चैप्टर 4 की तरफ, जिसका नाम है एग्रीकल्चर. ओके, सो please if you like this video tap the like button, do subscribe my channel, and if you want that the notification of my recent uploaded video will go first on your phone, then you have to click on the bell icon which is just beyond right side of the subscribe button of let's discover it. So without any wastage of time, we have to start our chapter, a new interesting and very very interesting chapter name मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. हर एक वीडियो में मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज कैसे, क्या डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, टेबल, एनीथिंग. मिनरल्स कहाँ कहाँ डिपॉजिट हैं, कैसे कैसे कंटिनेंट में, रॉक टाइप्स, मिनरल्स टाइप्स, अनन मेटल, मेटलॉइड्स, मेटल्स, उनके प्रॉपर्टीज़, स्नो रस, और फिर उसको ड्रिल करने का प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्लियर कर ली हैं. और आज हम जो करने जा रहे हैं वो सिंपली जियोथर्मल एनर्जी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाएगा. जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइडल एनर्जी किया था. टाइडल एनर्जी किस किस कंट्रीज़ में पाया जाता है या फिर कौन कौन से कंट्रीज़ उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा रसिया, फ्रांस था एग्ज़ाम्पल. और इंडिया में रन ऑफ कच्च में टाइडल बड़ा सा मील फार्म है. ओके, आशा करती हूँ समझ में आया होगा. और बायोगैस में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक वेस्ट को जब हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो एक्चुअली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, एयर पॉल्यूशन भी काउज करता है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी काउज करता है, वो बायोगैस के बारे में हमने देखा था. और फिर उससे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर के बारे में भी देखा है, न्यूक्लियर पावर का स्टेशंस हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें क्लियर की है हमने. कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर का स्टेशन, ये एक बार में तो याद होगा नहीं. जैसे मैं अगर बात करूँ रन प्रताप सागर इन कोटा राजस्थान एंड नरोड़ा इन उत्तर प्रदेश, कैगा इन कर्नाटका, तो ये तीन मैंने बताया आपको, बाकी दो कमेंट सेक्शन में लिखना है. ओके, चलिए. और फिर हाइडल पावर के बारे में भी कंप्लीट किया है, कौन कौन से कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, और फिर बहुत सारे हाइडल पावर स्टेशंस इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हैं, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं, नहीं है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं. जल्दी से जाकर उस वीडियो को चेकआउट करिए. चलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, नहीं होता, एक लाइन में मैं आपको समझाऊंगी. देखिए, टाइडल एनर्जी में हम लोगों ने देखा था वो एनर्जी जो जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विथ द हेल्प ऑफ टाइड्स. टर्बाइंस लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, नैरो जोन ऑफ सी जहाँ पे टाइड्स आता हो. ओके, ये सारी चीज़ें तो सिंपल है समझ. वैसे ही जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है, हॉट एनर्जी है, मतलब हीट एनर्जी, नॉट हॉट, तो हीट एनर्जी जिसे हम अर्थ से यानी फ्रॉम द अर्थ से जो एनर्जी होती है हीट की, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी. सिंपल है, एक लाइन का आंसर है, बहुत ही बड़ा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा है. ठीक है, चलिए. हीट एनर्जी ऑप्टेंड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. हीट एनर्जी जो हम अर्थ से ऑप्टेंड करते हैं उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, नथिंग एल्स. हीट एनर्जी ऑप्टेंड फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडियली एज वी गो डीपर. ओके, जैसे एक बात बोलती हूँ, हमारा अर्थ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? क्रस्ट, मेंटल, कोर. ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये आपके क्लास 7 में दिया हुआ है. ठीक है, और क्लास 8 में भी आपने मतलब अभी क्लास 8 में इसका चैप्टर आया नहीं है, लेकिन क्लास 7 में ये चीज़ दिया हुआ है. तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी भी एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ, तो पहले ये वीडियो, मतलब ये पूरा बुक जैसे हम कंप्लीट करेंगे, क्लास 7 की जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी. और अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर लिख सकते हो, यहाँ तक कि क्लास और पब्लिकेशन भी, या फिर NCERT, तो पब्लिकेशन मैं जानती ही हूँ, भारतीय भवन. और जो होता है ना एक्चुअली, जैसे हाँ, जैसे साइंस है, साइंस में आपको प्रॉब्लम है, सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में हाउ टू राइट डाउन साइंस सब्जेक्ट क्लास. ओके, सब्जेक्ट हैश साइंस क्लास. ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे. जियोथर्मल एनर्जी मैंने बताया, अब देखिए जो अब हम क्रस्ट मेंटल कोर पे थे, तो एक्चुअली इसको समझने के लिए उसको समझना है, इसको उसको, अभी सब समझा रहे हैं. जैसे अर्थ है, एज वी गो डीपर एंड डीपर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो स्टीडियली यानी बहुत तेज़ी से राइज करेगा ना. जैसे बाय द वे एग्जाम्पल दें,
आप लेटे हुए हो, आपको मैंने पहले एक ब्लैंकेट ओढ़ाया है तो आपको हल्का गर्म लगा, अगर मैं ओढ़ाती चली जाऊँ तो अंदर में तो और हीट हो जाएगी ना, बोलिए। तो उसी तरह से जो हमारा अर्थ है, क्रस्ट में तो सिंपली हम सब चीज़ का मतलब आप क्रस्ट पे तो हम रहते ही हैं, मेंटल और जो कोर होता है, कोर हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है, इनर कोर आउटर कोर। आउटर कोर में भी हीट होता है लेकिन इनर कोर के मुकाबले कम होता है, लेकिन इनर कोर के मुकाबले आउटर कोर में कम होता है, इनर कोर में बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। यानी वहाँ पर ना एक तरह से बोलें तो लिक्विड फॉर्म में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सारी चीज़ों को पिघला देता है। ओके, तो जैसे जैसे अब हम सेंक करेंगे भाई डीपर, तो देखा आपने इनर कोर आउटर कोर इनर कोर, तो आउटर कोर में कम हीट होगी इनर कोर से, जैसे इनर कोर में जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, क्रस्ट में हीट है समान रूप से, मेंटल में उससे ज़्यादा, फिर आता है आउटर कोर उसमें बहुत ज़्यादा, इनर कोर में और बहुत ज़्यादा। तो ये जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, एक्चुअली टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि टेम्परेचर इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडियली, बहुत तेज़ी से, स्टेडियली मैंने होता है तेज़ी से, एज वी गो डीपर, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। समटाइम्स द हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, कभी कभार ये हीट एनर्जी सरफेस पे भी आ जाता है, इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। यानी हॉट स्प्रिंग मतलब आप समझते हो क्या होता है, हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है वो जो गर्म पानी का, कभी आपने सुना भी होगा या फिर आपने पढ़ा भी होगा, गर्म पानी का झरना बोलते हैं ऐसे तो हम लोग ठंडा, जैसे कोई भी रिवर है, कोई भी लेक है, कोई भी वाटरफॉल है, नॉट रेनफॉल वाटरफॉल है, तो वहाँ पे सिंपली आप नहाते हो गए, फिर आप कहीं पिकनिक में जाते हो, ओशियन भी चले जाओ, तो वहाँ ठंडा पानी रहता है, फिर नॉर्मल रहता है, हीट यानी खोला हुआ पानी जैसे आ जाता है, ठीक है, खोला हुआ पानी। तो हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में आ जाता है क्या हमारा हीट एनर्जी कभी कभार सरफेस पे, इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, इस हीट एनर्जी को हम लोग पावर जनरेट करने में यूज कर सकते हैं। ओके, जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जियोथर्मल एनर्जी अगर हॉट स्प्रिंग के रूप में जब आता है तो उस हीट को हम लोग कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग में यूज कर सकते हैं सेवरल ईयर्स के लिए, नॉट ईयर, ईयर्स दिया हुआ है। ओके, अब देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर लेती हूँ। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ओके, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडियली एज वी गो डीपर, डीपर समझ गए थे हम। समटाइम्स द हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर्स। ओके, जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। ओके, ये से यहाँ से यहाँ तक आप, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम रही होगी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिए। ओके, यूएसए, अब देखिए जो यहाँ यहाँ पे जो कंट्रीज हैं जो जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ है तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यूएसए, यूएसए हैज़ लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, यूएसए में बहुत ही लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में। आपको सिंपल याद रखना है यूएसए में लार्जेस्ट है, फिर उसमें, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में। एक बार में याद नहीं होगा, इसको आपको बार बार लिखना होगा। ओके, अब इंडिया की बात करें तो इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख, दो जगह इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं, तो मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश यानी HP, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख में एक्चुअली है। तो ये होता है हमारा पूरा चैप्टर आज कंप्लीट जियोथर्मल एनर्जी का। कल हम आपके लिए एक टेबल लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के एग्जांपल्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस को करने वाले हैं। क्लियर? तो बने रहिए हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे। नाउ आई विल टेक अ साइड, यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।